दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच कई सालों से चला आ रहा तनाव उभर कर सामने आने लगा है। अमेरिका और चीन के तनावपूर्ण रिश्तों की झलक अब डिप्लोमेटिक शिष्टाचार पर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। ताज़ा मामले में हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे से बात करने के लिए उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन चीनी नेता ने उनका फोन नहीं उठाया। चीनी सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के उल्लंघन की वजह से वेई फेंगे ने ऑस्टिन के फोन को नहीं उठाया। हांगकांग से पब्लिश होने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री के अनुरोध से गलतफहमी पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन शू किलियांग से बात करनी चाही थी। वाइस चेयरमैन शू प्रोटोकॉल में वेई फेंगे से ऊपर हैं, लिहाजा ये चीन के रक्षा मंत्रालय को नागवार गुजरा। हालांकि शू किलियांग और रक्षा मंत्री दोनों ही सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री को वेई फेंगे से बात करनी चाहिए थी। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इसके बाद भी हम चीनी सेना के प्रमुखों से बात करने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि हम चीन में अपने समकक्ष से निश्चित रूप से बातचीत करना चाहते थे और हम अभी भी इस बातचीत के तरीकों पर काम कर रहे हैं। किर्बी ने हालांकि चीनी मीडिया में आई उस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया, जिसमें दावा किया गया था कि पेचिंग ने ऑस्टिन को दोस्ती का संकेत भेजा था, लेकिन अमेरिकी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। चीनी मीडिया ने कहा कि ऑस्टिन ने बाद में सीएमसी के एक और अधिकारी से बात करनी चाही थी, जिसे राजनयिक प्रोटोकॉल के लिहाज से अपमान माना जाता है। बता दें कि ताइवान और दक्षिण चीन सागर समेत कई मुद्दों को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। हाल ही में अमेरिकी जंगी जहाज साउथ चाइना सी से गुजरे थे, जिसका चीनी सेना ने कड़ा विरोध किया था। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।